नमस्कार दोस्तों, SRS एंटरटेनमेंट चैनल में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में बात करते हैं दबंग गुड न्यूज़ तानाजी और छपा के बॉक्स ऑफिस के अपडेट को लेकर। सबसे पहले बात करते हैं दबंग 3 के बारे में। दबंग 3 को रिलीज़ होके लगभग 19 दिन हो गए हैं और 20वां दिन है आज दोस्तों। और इस मूवी ने अपने ओपनिंग डे में जो कलेक्शन किया था वो 24.50 करोड़ के आसपास था। 3 दिन में 78.75 करोड़ और 121.58 करोड़ फर्स्ट वीक का कलेक्शन हुआ था। और इसका 19वें दिन का जो अर्ली एस्टिमेट आया है दोस्तों, वो कुछ नहीं तो 35 लाख के आसपास है, मतलब करोड़ 1 करोड़ के अंदर आ चुके हैं मूवी का कलेक्शन 19वें दिन। तो इससे उम्मीद की जा रही है कि 20वें दिन का जो कलेक्शन होगा 30 लाख के आसपास ही होगा और इसका टोटल जो कलेक्शन हो जाएगा 20 दिन का मिला के 151 के आसपास। और बात करते हैं गुड न्यूज़ के बारे में दोस्तों। गुड न्यूज़ को रिलीज़ हो गई लगभग 12 दिन हो गए हैं, आज उसका 13वां दिन है। मूवी ने पहले दिन 17.56 करोड़ का कलेक्शन किया था और इसका 3 दिन का वीकेंड था 65.99 करोड़ दोस्तों। इसका फर्स्ट वीक था 127.90 करोड़ के आसपास। इस मूवी ने 12वें दिन भी 5 करोड़ का कलेक्शन किया है और इसका उम्मीद किया जा रहा है कि इसका जो 13वें दिन का कलेक्शन होगा 4.75 करोड़ के आसपास रहेगा। अगर ऐसा होता है टोटल इस मूवी का कलेक्शन 177 करोड़ के आसपास चला जाएगा टोटल 13 दिन का मिला के दोस्तों। और बात करते हैं 10 तारीख को रिलीज़ होने वाली मूवी, 10 जनवरी को रिलीज़ होने वाली दो बड़ी मूवी तानाजी और छपाक के बारे में। सबसे पहले छपाक के बारे में बात कर लेते हैं। छपाक दोस्तों अजय देवगन इसमें काम कर रहे हैं, साथ में काजोल हैं, सैफ अली खान हैं। इस मूवी को डायरेक्ट किया ओम रावत ने। और तानाजी द अनसंग वॉरियर एक हिस्टोरिकल मूवी है। ओवरऑल ये लगभग 3000 स्क्रीन पर रिलीज़ हो रही है लगभग, तो इस हिसाब से इसके बजट को ध्यान में रखो तो इस मूवी का जो पहले दिन का कलेक्शन आएगा सारे लैंग्वेज मिलाकर, और ये मूवी 3D में बनी है तो उम्मीद है कि 15 से 16 करोड़ के आसपास का पहले दिन का कलेक्शन होगा। और काफ़ी शुमार है, अजय देवगन की काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है, तो इस हिसाब से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स हो सकता है। एडवांस बुकिंग में अच्छी न्यूज़ आ रही है, तो बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है तानाजी द अनसंग वॉरियर। बात करेंगे हम दीपिका पादुकोण की मूवी छपा के बारे में। जैसा कि सभी पास जानते हैं यह मूवी एक रियल स्टोरी पर है, जिसमें लक्ष्मी अग्रवाल पर एसिड अटैक हुआ था, उसके बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी को कैसे जिया, बहुत सारी मुसीबतों को, खुद को सेल्फ स्टीम कैसे उन्होंने बढ़ाया, खुद के चेहरों को देख के जो उन्हें घृणा होती थी सभी चीज़ों से लड़ते हुए आगे कैसे बढ़ी, इसी पर आधारित है यह मूवी जिसको मेघना गुलजार ने डायरेक्ट किया है। तो ओवरऑल मूवी जो रिलीज़ हो रही है लगभग 1500 प्लस स्क्रीन पर रिलीज़ हो रही है इन इंडिया, तो तानाजी के सामने इसकी स्क्रीन काउंट कम, इस हिसाब से इसके कलेक्शन भी उस हिसाब से कम ही रहेंगे। और उम्मीद की जा रही है दीपिका पादुकोण के फैन फॉलोइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके पहले दिन जो कलेक्शन हो गया 5 to 6 करोड़ के आसपास ज़रूर होगा। तो ये रहा ये 4 मूवी का लेटेस्ट न्यूज़ के साथ और बॉक्स ऑफिस अपडेट। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।